नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एमपीसीजी लाइव। रिसोर्ट ग्रेस में भाजपा विधायक क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, जहां सीहोर विधायक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, तो वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान गेंदबाजी करते हुए नजर आए, साथ ही अन्य विधायक फील्डिंग करते हुए नजर आए। तो महाराष्ट्र में जहां सियासी घमासान जारी, वहां एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई है जहां पर बीजेपी विधायकों के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान क्रिकेट का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी के विधायक और नेता सभी बेफिक्र हैं। बेंगलुरु में हुए आज की घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, उनका कर्तव्य है कि वो सभी विधायकों से बात करें। उन्होंने आगे कहा कि एक व्यक्ति की जगह से सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है, जो कांग्रेस के 16 विधायक अरेस्ट हैं, जिन पर 400 पुलिस वाले तैनात हैं। उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधायक कितने आजाद हैं। कमलनाथ ने कहा कि सरकार 15 महीनों से लगातार बहुमत साबित करती आ रही है। जैसे हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, उनका कर्तव्य है कि वो सब विधायकों से बात करें। जी। एक विधायक जी, एक दिग्विजय सिंह जी से सिक्योरिटी थ्रेट है जी 16 विधायकों को जी, एक व्यक्ति से जी जी जी, तो ये कितने आजाद हैं जी, किस तरह इन्हें बंधक बना के रखा है जी, इससे साफ साबित होता है कि एक व्यक्ति जी, हाँ, जहाँ 400 पुलिस है वहाँ जी, वो कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है। आप वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, जो फैसला विधानसभा में होना है वो विधानसभा में ही होगा, और जो फैसला न्यायालय में होना है वो न्यायालय में होगा। हम सड़कों पर भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, सत्य की विजय होगी। जो लोग पुतले जला रहे हैं वो बौखला रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब दिग्विजय सिंह ना माने 13 मेहमान वाला व्यवहार कर रहे हैं। भाजपा इस सरकार को गिराएगी क्या? हमने कहा हम नहीं गिराएंगे, लेकिन अपने अंतर विरोध के कारण खुद गिर जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये दिग्विजय सिंह सरकार बचाने की बात कर रहे हैं, ये विधायकों से मिलना चाहते हैं। वो विधायक जो बेंगलोर में हैं, उनने कहा कि दिग्विजय सिंह को देख के तो हम भगे हैं। इनसे मिलने की बात करने की बात हम इनको देखना पसंद नहीं करते। वहीं फ्लोर टेस्ट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बाकी विधायकों से मिलने को मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विधायकों से मिलना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को भी बाकी विधायकों से मिलने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई कल यानी कि गुरुवार को सुबह 10:30 बजे होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस के 22 बागी विधायकों की ओर से वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि बागी विधायक किसी कांग्रेस नेता से नहीं मिलना चाहते हैं, उन्हें इधर लेकर बाध्य करने के लिए कोई कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि बागी विधायक संविधान के तहत हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे किसी कांग्रेसी नेता से नहीं मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विचारधारा के कारण इस्तीफा दे दिया गया है, कोर्ट उसकी पेचादगियों में नहीं जा सकता है। स्पीकर इस्तीफे पर अनिश्चित काल के लिए नहीं टाल सकते हैं। राज्यसभा निर्वाचन के लिए आज नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद विधानसभा में रिटर्निंग अधिकारी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में फूलो देवी नेताम और केटीएस तुलसी को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। फूलो देवी नेताम ने स्वयं और केटीएस तुलसी का प्रमाण पत्र उनकी अनुपस्थिति में नगरीय विकास मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया को ग्रहण किया। संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, विधायक मोहन मरकाम सहित अनेक जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे। मेघनगर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व में स्थापित 3 फैक्ट्रियां बेरकटोक चल रही हैं। हालात ये है कि इनसे निकलने वाले जहरीले काले धुएं व बदबू से आसपास स्थित 20,000 से अधिक लोग परेशान हैं। औद्योगिक क्षेत्र में रिटायर टायर प्लांटों के मेन गेट पर दिखावा करने के लिए ताला जड़ दिया गया है, तो वहीं टायर प्लांटों में रात के समय गुपचुप तरीके से वायु प्रदूषण फैलाने वाले ट्रायल प्लांट धड़ल्ले से चल रहे हैं। टायर को जलाने के लिए इन कारखानों में बिना परमिशन हजारों लीटर ऑयल स्टोरेज रखा गया है।
वायु प्रदूषण के कारण यहां रहने वाले सैकड़ों वृद्ध महिलाएं व बच्चे एलर्जी, खुजली, सांस फूलने, फेफड़ों में संक्रमित जैसी बीमारियों से पीड़ित हो चुके हैं। मेघनगर कहना है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। काफी टाइम से प्लांट चल रहा है, जो ये प्लांट पहले गुजरात में थे, गुजरात में बंद करा दिए गए, तो इसको यहाँ पे डाल दिया गया और यहाँ से निकलने वाला धुआं और गैस हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। हमको यहाँ पर रहने में और यहाँ से निकलने में भी काफी दिक्कत होती है। ये प्लांट वैसे तो अभी दो तीन दिन से बंद है, बाकी काफी टाइम से चालू था और नाइट में भी मतलब चोरी चुप के प्लांट चालू होता है। अभी हम आज ही एक टीम जो हमारी तैयार हुई है उसके साथ आज ही हम लोग चेक करेंगे टायर प्लांट की, अगर कोई भी एक्टिविटी वो रात में भी कर रहे हैं तो वो भी अगर इलीगल है तो उस पर कठोर कार्रवाई करी जाएगी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे ने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गरियाबंद को निर्देशित किया है कि नागाबुड़ा रोड में ट्रक व क्रूचर संदेहास्पद रूप से खड़े होकर सामानों की अदला बदली कर रहे हैं, जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें। सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर ग्राम नागाबुड़ा की ओर रवाना हुए। मौके पर पाया कि नागाबुड़ा गांव के स्कूल के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से वितरण की जाने वाली सामग्री चावल, नमक, शक्कर को ट्रक में लादा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो मौके पर मौजूद लोग उचित कागज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद पुलिस ने दो अभियुक्तों को 25 लाख के माल के समेत गिरफ्तार कर लिया। दूसरे गाड़ी में अपने सामान को शिफ्ट कर रहा है, चोरी तरीके से सामानों को बेच रहा है, जिस पर से पुलिस थाना प्रभारी कोतवाली सदल बल मौके पर पहुंचे और नागाबुड़ा स्कूल के पास उस ट्रक से दूसरे गाड़ी में 3 बोरा चावल को स्थानांतरित करते हुए पाया गया। मौके पर से इसी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ट्रक के चालक वाहक और जो सामान खरीदार था उसको गिरफ्तार करके आरोपियों को जेल दाखिल किया गया। छत्तीसगढ़ से लगे राज्य उड़ीसा के मलकानगिरी में 2 लाख रुपए के इनामी नक्सली सामा सहित 7 नक्सलियों ने मलकानगिरी एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बाद अब उड़ीसा में भी नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के बड़े नक्सलियों की खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर उड़ीसा में भी लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने आए सभी नक्सली बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। समर्पण करने आए सभी नक्सलियों को उड़ीसा सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10-10 हजार रुपए दी गई। ग्राम बरियों में लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखकर ग्रामवासियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बरिया चौकी के प्रभारी ज्ञापन देकर चोरी की घटनाओं को रोकने की मांग की है। ज्ञापन मिलने के बाद पुलिस तेजी से काम कर रही है और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस ने चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। चौकी प्रभारी रूपेश नारंग ने बताया कि राजपुर ओखरा निवासी तूफान उर्फ शुभजन पूर्व में बाइक चोरी के मामले में अभियुक्त है, जिसके पास से चोरी हुए सभी सामग्री बरामद कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रार्थी गोविंद सिन्हा जो है बवंदी पार भरियो का निवासी है, वो चौकी आकर रिपोर्ट लिखा है कि उसके एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल को कोई अजात चोर चोरी करके ले गया है। चोरी की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी भरियो में अपराध कायम कर किया गया था चोरी का, और 2 दिन पूर्व ही 2 मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में ओकरा निवासी कमलेश को भरियो पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उस प्रकरण में जो है एक मुख्य आरोपी जो था साकेत चोर तूफानपुर शिवभजन, वो घटना दिनांक से फरार था, चोरी में शामिल था वो, और हमको पूरा शंका था कि वही आरोपी जो है इस अभी जो मोटरसाइकिल जो बजाज पल्सर चोरी हुई उसमें भी वो शामिल है। उसका पता चला श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर के निर्देशन में हम लोग कर रहे थे टीम बनाकर, और कल शाम को हम लोगों ने ग्राम पहाड़ पारा में मुखबिर सूचना के माध्यम से इसको तूफान उर्फ शिवभजन को चोरी के मोटरसाइकिल बजाज पल्सर के साथ पकड़ा। देश के कई राज्यों से कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भारत में अब तक कुल 137 कोरोना के संदिग्ध पाए जा चुके हैं। इसके मद्देनजर मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में भी कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता अपनाई जा रही है। हालांकि मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव मरीज अब तक सामने नहीं आया है,
लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा हॉस्पिटल, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए उपाय साझा किए जा रहे हैं। झाबुआ जिले में कोरोना वायरस के चलते शासकीय और प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा मास्क पहन के सतर्कता अपनाई जा रही है, तो वह स्थानीय दुकानदार, प्राइवेट ऑफिस और भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों पर भी आम रहवासी कोरोना वायरस के डर से मास्क लगाकर सतर्क रह रहे हैं। मेडिकल व्यापारियों का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते सर्दी जुकाम के पेशेंट भ्रमित हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर सतर्कता अपनाई जा रही है। जहां तक हो सके अपने घर में ही रहे, और अगर उसे कुछ ऐसे सिम्टम्स लगते हैं कि उसे कुछ सूखी खांसी या काफी तेज फीवर आता है तो हमें तुरंत बताएं। मैं सभी को जागरूक कर रहे हैं कि हो सर जहां तक हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और कोई भी ऐसा आयोजन ना करें जिसमें कि 20 से ज्यादा व्यक्ति का एक साथ इकट्ठा होना पाया जाता हो, और अपना साफ सफाई का हाथ बार बार हाथ धोते रहें, और अगर आपको हल्की सर्दी खांसी बुखार है तो कृपया करके मास्क पहन के ही आपकी जरूरी काम करने बाहर जाएं। पूरे विश्व में कोरोना वायरस जो चल रहा है उसके लिए हमारे पास में काफ़ी पेशेंट लोग आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मास्क वगैरह करो, मास्क पहनो और अपने हाथ दिन में 10 बार धोएं, सैनिटाइजर से धोएं और इन्फेक्शन होने से बचें। कोरोना वायरस से ज़्यादातर लोग बहुत भयभीत हो रहे हैं और अपने इधर सर्दी खांसी सांस के और जुकाम के इसके मरीज इतने बढ़ते जा रहे हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उन सभी लोगों को इसके बारे में काफी जागरूक रहना पड़ेगा, अपने आप का साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, सैनिटाइजर का, मास्क का, हैंड वॉश का, अपने आसपास गंदगी नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।